नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है रॉन बघेल और आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं वीडियो ऑफ पावरलिफ्टिंग। आपके सामने एक नया वीडियो लेके फिर हाजिर हैं। 84 kg के ओपन कैटेगरी का वुमेन्स में, जी हाँ, तान्या नाम है इनका। पहले प्रयास में 160 किलो, पर्सनल बेस्ट जो है इनका 130-135 किलो है। तो इतना बड़ा जंप तो बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है, देखते हैं अब लगती है या नहीं। SBD के नी कैप मेरे को लग रहा है कुछ ज़्यादा ही नीचे पहने, ऊपर और मार्जिन था चढ़ाने का, या चढ़े नहीं। सेटिंग फुल है और चलो हो गया। ओ सॉरी, नो लिप, वेरी गुड लोडर्स। लिफ्ट देखें आप पूरी सेटिंग के, लेकिन रहेगा सेकेंड अटेम्प्ट में सेम लोड, बहुत बढ़िया सेम लोड रखा है, बहुत अच्छी बात है। सेफ खेलना बहुत ज़रूरी है। इजी नहीं क्या, मेरे को नीचे इसलिए लग रहा है, क्या पता ज़्यादा छोटा साइज पहना हो जंप लेने के चक्कर में, इसलिए ऊपर चढ़े ही ना हो। और चलो, ओ आगे झुक गए, गुड कैचर्स, खिलाड़ी परेशान। 160 किलो स्टार्ट ही दोनों बार, आधा उठ, आधे से ज़्यादा उठ गए, लेकिन इस बार तो ज़्यादा आगे झुक गए, फॉरवर्ड ज़्यादा हो गए। हाँ डन, 26 साल की उम्र में। ये जो आपको शोर सुनाई दे रहा है, ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 या 1 का होगा, कि 2 जगह प्लेटफॉर्म थे। डू और डाई सिचुएशन फॉर तान्या। लिफ्ट पास हुई तो कंपटीशन में बरकरार, अदरवाइज टोटल से बाहर। और हो गया, गुड, साइड लोडर भी तालियां बजा रहे हैं। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको देख के एक शेर याद आ गया, इस वाली लिफ्ट को देख के, कि मेरे चिरागों को देख के मचल रही है हवा, कुछ दिनों से बहुत तेज चल रही है हवा, जो ख्वाब बना रहे थे मेरी बर्बादी के, उन्हें पता ही नहीं कि रुख बदल रही है हवा। तान्या जी ने पूरी वापसी की है अपनी, और अब बेंच के स्टार्ट लिया है 75 किलो। पहले प्रयास में 75 kg, क्लोज चांस है काफी, क्लोज वालों का तो एल्बो जॉइंट ऑटोमेटिकली नीचे आ ही जाता है, ये देखें। इजी, मेरे को लग रहा है या तो स्क्वाड के बाद से इन्होंने फिर अपना स्टार्ट चेंज करा लिया होगा, ऐसा लग रहा है मुझे, सेफ खेलने के लिए, क्योंकि अभी मार्जिन बहुत है। अब देखते हैं कितना जंप लेंगे। पर्सनल बेस्ट भी 75 है, 80 किलो लिया है, 5 किलो की जंप की है, बिल्कुल सेफ खेलना चाहते हैं, शायद अपनी तीनों लिफ्ट बेस्ट दे सकें, इसलिए जैसा स्क्वाड में ना दे पाए। आप कंपटीशन में कोई भी स्टार्ट चेंज करा सकते हैं, चैंपियनशिप मतलब 20 मिनट पहले या जो भी वो बता देते हैं। और इजी सेकेंड अटेम्प्ट आपका चेंज नहीं होता, जो आपने बताया वो उतना ही रहेगा, और 1 मिनट के अंदर आपको बताना होता है कि कितना आपको लिफ्ट लेना है अगला। तान्या तीसरे प्रयास में बेंच में फिर 5 किलो का जंप लिया है। SBD की पूरी किट, शायद रिस्टबैंड टाइटन के दिख रहे हैं, PT शूज का इस्तेमाल कर रहे हैं, हील वाले शूज का नहीं। और पूरा इजी कंट्रोल, चलो चलो, और स्ट्रगलिंग, सॉरी नो लिफ्ट। पर्सनल बेस्ट कर दिया है इसमें भी, 75 किलो था 80 किलो कर दिया है।
आपका हारना जीतना कम महत्वपूर्ण है कंपेरेटिव उसकी अपेक्षा में, यदि आप अपना बेस्ट देके जाते हैं। बेस्ट तो जितना मर्जी हो, जैसे आपने दिन में 100 किलो मारा और कंपटीशन में 105 मारा, तो वो आपके लिए जीत ही है, हार नहीं है। लेकिन ऐसा मेरे कहने से नहीं है, कई लोगों को लगेगा हार हार होती है, जीत जीत होती है। जीतना तो ज़्यादा ज़रूरी है, सभी जीतने के लिए जाते हैं खेलने के लिए। पहले प्रयास में 155 किलो, और बहुत इजी ऐसे उड़ाए, बिल्कुल इजी। थ्री वाइट लाइट्स प्रणाम करके एकदम धन्यवाद कर रही है रेफरीज को। साढ़े सात किलो का जंप, 162 किलो। दिल्ली में मेडल नहीं आए कोई भी स्क्वाड बेंच और डेड में, ना ही ओवरऑल में, लेकिन वो महत्वपूर्ण नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया, खेल में खेलना महत्वपूर्ण है। जब तक खिलाड़ी खेलेगा नहीं तो सीखेगा कैसे और जीतेगा कैसे। और इजी, मेरे को ऐसा लगा लॉक होने या लिफ्ट राइट वाली जो डाउन बॉल में गई है, रेफरी ने गुड लिफ्ट दे दी है, मतलब दो ने पास दिया रेड, राइट वाले तो रेड दी थी। रिप्ले में देखते हैं, उठा हल्का सा नीचे गया था जी। हाँ, जूरीज ने लिफ्ट फेल कर दी है। तान्या बोल रहे हैं इजी, चलो जी इजी। लास्ट एंड फाइनल अटेम्प्ट सेम 162.5 kg। चलो चलो, ये फिर दोबारा डाउन आया नीचे रॉड, सॉरी नो लिफ्ट, सेम रीजन। आप रिप्ले में देख सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।